पापन भाई, ये तुम फिल्म देखकर मुर्गी की तरह भूल के रहे हो। क्योंकि इसका कैरेक्टर भी मेरे जैसा ही है। इसको देख के मेरा दिल चाहता कि मैं भी वापिस से बब्बन भाई बन जाऊँ। अरे रहने दो बब्बन, बहुत देख लिए तो हार भरम। तुमने तो अब्बा की नाक ही कटवा दी। अब्बा कौन है? अरे हम और कौन। अरे तुम्हारी नाक कहाँ से आ गई? तुम्हारा तो माथे के बाद डायरेक्ट घोट है। जरा चेक कर ले। और ये बब्बन भैया ने तुम्हारा नाक कैसे कटवा दिया? अरे बस क्या बताएं, अपने इलाके में बड़ा टका था हमरा। अरे दीवार में मुक्का मार के सुराख करते थे। अरे लोग डरते थे हमसे। हाँ, तुम जो मुक्का मारते थे उसके बाद तुम्हें अस्पताल लेके जाना पड़ता था, इसलिए डरते थे तुमसे वो। अब्बा तुमसे कितनी दफा का, इस तरह की बातें मत क्या करो, तुम्हारा नाक उतर जाएगा। और ये तुम इतना होशियार क्यों बन रहे हो हमारे साथ बैठ के? तुम्हें याद नहीं है कि अम्मा ने तुम्हें कहा था कि बाहर की दीवार को पेंट करना है? अरे वो तुहार अम्मा है, कुछ भी कह देती, मगर रंग लाए कहाँ से यार? अब वो अम्मा का मसला नहीं है, तुम जाके रंग करो बस। और तुम एक बात बोले। हाँ, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। अरे ये तो गा गा के निकल गए यहाँ से, और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे अब रंग कहाँ से लाए, क्या करें? नौशी से मदद लेते हैं। अरे चल भाई बचिए। अम्मा, ये तुम्हारे पैरों में इतना दर्द क्यों होता है यार? अरे कमबख्त, कमाले जन्नत कमाले, तुझे पता है ना माँ के पैरों तले जन्नत होती है। इतने गंदे पैरों के नीचे भी जन्नत होती है। वैसे अम्मा तुमने एक काम अच्छा किया कि मुझे पाँव दबाना सिखा दिए। नौशी की जब मेरी शादी होगी ना तो बहुत खुश रहेगी वो। बीवी के पैर दबाएगा बेगैरती का? अब्बा भी तो ये करता रहे। इसीलिए कहती हूँ कोई काम धंधा कर ले, वरना अपने बाप की तरह जलील होता रहेगा। अम्मा वो तो मैं फोन उठा अपना। चलो अच्छा हुआ दो मिनट की छुट्टी तो मिली। हेलो, हाँ कौन बात कर रहा है? छोटा सुपारी, अरे कम से कम अपना नाम तो बदल ले, चालियों पे पहली पाबंदी लग गई है। कौन? अंडरवर्ल्ड छोटा डोन। हाँ क्या चाहिए? 5 लाख रुपए चाहिए। अबे कैसा डोन है तेरे पास, 5 लाख रुपए नहीं है क्या? बदला मांग रहे क्या? मुझे मार देगा क्या? मुझसे मांग रहे? मजाक कर रहा ना। चलो बेटा कटो शाबाश। किसका फोन था? अम्मा कोई छोटा डोन था, इसे 5 लाख रुपए मांग रहा था। 5 लाख का क्या चक्कर है? अम्मा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मांग रहा था, हमें दे नहीं रहा था वो। ए बब्बन, तू कहाँ से देगा 5 लाख रुपए? अरे अम्मा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि बब्बन भाई से पैसे मांग सके। अरे तो तूने मोहल्ले में लंबी लंबी छोड़ी होगी। अम्मा कद्दू छोड़ी होगी, मैं तो सुबह एक पाव पापे भी उधार पे लेके आता हूँ। मुझे तो डर लग रहा है भाई। अरे अम्मा डरने की बात नहीं, जिस मुल्क और जिस घर के अंदर बब्बन होता है ना, वहाँ परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। अल्लाह मियाँ, मेरे बब्बन की हिफाजत करना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं किन किन लोगों के फोन आते हैं इसे। हाँ नहीं नहीं, ये आवाज सुनकर गाना गाए ना तो जो लोग तुझे पसंद करते हैं नौशी, वो भी भाग जाएंगे। या अल्लाह मेरी आवाज ठीक कर दे। अरे का समझते हैं आप खैरन? हाँ, अरे आप पैसे नहीं देंगे हाँ तो का हमें कोई और पैसे नहीं देगा? हाँ, अरे कब मर गए हैं सब लोग? अरे हमारी मदद के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अरे नाम बताए का? अरे नौशी, अरे नौशी हमारी मदद करेगी। अरे हमारा खर्चा ही कितना है, 500 रुपए में महीना निकाल लेते हैं। अरे मत दीजिए, पैसे कर लेंगे हम अपना इंतजाम। अरे जाइए यहाँ से। अरे वाह वजीर, खाली पेट इतना गुस्सा, भाई बहुत अच्छे। अरे खैरन समझती है कि हम इस दुनिया में अकेले हैं? अकेला तो तू है वजीर, तेरे जैसा भी इस दुनिया में एक ही आया, वो तू खुद है। अरे 500 रुपए नहीं दे सकती? अरे हमने भी उसके मुंह पे जवाब मारा कि मत दीजिए पैसे, अरे नौशी दे देंगे हम का। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर दूंगी पैसे। दे दो ना फिर 500। हाँ तो जूते मारूंगी तुझे, समझता क्या तू मैं बेवकूफ हूँ है? अगर खैरन खड़ी होती ना वहाँ तो तेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। अरे वो इशारों में गालियाँ भी दे रही थी और लानत भी भेज रही थी। अच्छा सुन वजी, मैं बेवकूफ नहीं, तो तू बुलाने की कोशिश कर रहा है, चला जाएगा से नहीं तो मैं खैरन को बता दूंगी, जिसने नहीं बोला है वो भी और जो बोला है वो भी। आप भी हमारी हमदर्द नहीं है? अरे कोई भी बुरे वक्त में हमारे काम नहीं आ रहा। कौन सा बुरा वक्त है? कौन सा बुरा वक्त? अरे नौशी जी, वो बाहर की दीवार पे कोई कमीना पीक थूक गया है और खैरन ने हम पर इल्जाम लगा दिया है। अब आप बताइए कहाँ हम मावा खाते हैं? अरे नहीं वजीर, इस मामले में तो तू वाकई अच्छा है, ये बुरी आदत नहीं तो चाहिए गुटखा खाने की। हाँ यू नौशी, थैंक वेरी मच। तो फिर 500 रुपए दे रहे हैं ना? निकल यहाँ से, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, चल जा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। बेवकूफ समझता है। या अल्लाह मेरी आवाज ठीक कर दे।
हाँ भाई क्या कर रहे तुम? अब कुछ नहीं, वो पड़ोसी की दीवार पर कौवा बैठा था, उसको भगा रहे थे। इतनी दूर से कौवा भगा रहा था, पागल समझता मुझे? पापा भैया बस ये शक की आदत आपकी बहुत बुरी है। ये जो शक वक की आदत है ना, सब मैं समझता, मुझे पता है तू सामने वाले शेरी को ताड़ना था। तुझे इतनी बार कहा वो मेरी मोहब्बत है? कोई मोहब्बत वोब्बत नहीं करती, तुम काम करने के लिए रखा उसने। क्या काम कराती है मुझसे वो? दूध मंगवाती है, डबल रोटी मंगवाती है, अंडा मंगवाती है, और जब उसका बच्चा हो जाएगा ना तब तुमसे स्कूल छोड़वाएगी उनको। हाँ तो छोड़ाएंगे, क्या हो गया, पड़ोसियों के कोई हकूक भी होते? कोई ऐसी कोई बात नहीं, हमको भी थोड़ा पड़ोसियों का हकूक देने दो, हमें भी मरना है। क्या रे, तू इतनी बड़ी फिल्म है की यार, ये तो वही नंबर है। कौन है, किसका फोन है? किसी अंडरवर्ल्ड डोन का फोन आ रहा था, मुझसे 5 लाख रुपया भत्ता मांग रहा था। अरे मुझे लगा मजाक कर रहे, मैंने उसको कटाया और फोन काट दिया, लेकिन ये तो फिर से फोन कर रहा है यार। अरे हमें दीजिए, हम बात करते हैं। हेलो, आप कौन? छोटू डॉन? नहीं नहीं, बबन भैया यहीं पे हैं, वो तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमें फोन दे दिया। ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो जी छोटू डॉन। अरे यार असल में बात ये कि 5 लाख रुपए मैं आपको कहाँ से? अरे मेरे खुद छोटे छोटे बच्चे एक के तो तीनों गुर्दे काम नहीं कर रहे। अरे छोटे भाई मैं आपको क्यों पागल बनाऊंगा यार मैं? अरे मैं टोपी नहीं करा रहा यार, अगर मैं आपको गए... हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? अबे यार वो 5 लाख रुपए मांग रहा है, मैं कहाँ से लाऊं 5 लाख रुपए? क्या हुआ, अभी तो फिल्म देख के तुम बड़ा हीरो बन रहे थे। वो तो मैं मजाक कर रहा था, और तुम जो मुझे कह रहे थे मेरी बात करो मेरी बात करो, वो उसको छोड़ो, एक काम करते चल के अब्बा से बात करते, वो भी बड़े डींगे मार रहा था। हाँ चलो चला जा यार, आइए। अरे 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 अब्बा, ये तो भूखे शेर की तरह लटके हुए क्यों हो? ए तमीज से बात कर, वजीर दादा ये। अरे दादा नहीं, हम तो हर अब्बा हैं। अरे आपके अब्बा वाले दादा नहीं, इलाके के दादा। अरे बस का बताएं दादा, हाल बहुत बुरा है, ना घर के रहे ना घाट के। अरे अब्बा ये तो एक जानवर का नाम होता है, हम आपको कह नहीं सकते। अबे यार तू तो चुप कर, अबे ये घर कौन है और घाट कौन है? अरे घर खैरन और घाट नौशी, अरे दोनों तरफ से जिल्लत मिली हुई है। अब्बा तो तुम्हारे करतूत ही ऐसे कि तुम इसी लाइक हो। अब्बा हम लोग बहुत मुश्किल में फंस गए यार। हम नहीं, सिर्फ आप। हाँ मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ यार। अरे क्या हुआ तुम्हें बबन? अब्बा एक डोन है, वो मुझसे 5 लाख रुपया मांग रहा है, और कह रहा है अगर 5 लाख रुपया नहीं दिया ना तो वो मुझे मार देगा। अरे क्या मार दूंगा, क्या कोई चीज है उसके हाथ में? अरे यार अब्बा मुझे जान से मार देगा यार। क्या, अरे किसी की इतनी मजाल के हमरे बिटवा को धमकी दे? अब्बा इस होशियारी से ना कुछ नहीं होगा, मैंने उसको कह दिया है कि मैं वजीर दादा का बेटा हूँ, कहते मैं देख लूंगा तुम्हारे बाप को, टाके तोड़ दूंगा उसकी मैं। अरे ये बात है, अरे तो बुलाओ उसको, हम भी देखते हैं कि क्या करता है हमरे साथ। अब्बा उसको बुलाने का जरूरत नहीं, वो तो खुद ही आ रहा है। वैसे का बात हुई थी? बात क्या होनी है, हम तो उसको जानते भी नहीं है, भत्ता मांग रहा था। अरे तो फिर ऐसा करते हैं कि घर को बाहर से ताला लगा देते, वो आएगा तो समझेगा कि घर में कोई है ही नहीं, कहीं गए हुए। अब्बा तुम डर गए? अरे नहीं नहीं, अरे प्यारे वो क्या बात है ना कि बहुत अरसा हो गया किसी को चाकू मारे हुए, तो जरा सा घबरा गए। अरे अब्बा घबराने की जरूरत नहीं है यार, हम तीनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। नहीं नहीं तीनों नहीं, तुम दोनों। अबे यार वैसे तो हर चीज में हिस्सेदार बनते, अब क्या तुझे मौत आ रही है? भाई जान अपनी अपनी। अरे हम ऐसा करते हैं कि दोनों उसका मुकाबला करते हैं। अरे बबन बिटवा चलो तैयारी करते हैं। अरे चलो चलो। अरे नहीं, अरे अब्बा, अरे वजीर दादा आराम से, वजीर दादा। अरे चप्पल दो हमका, अरे हाथ में दो, ये कलुकुस लगवा दो इनको जाके। वजीर दादा जिंदाबाद, वजीर दादा जिंदाबाद, वजीर दादा। नहीं नहीं अब्बा, अरे आगे चलो ना। वजीर दादा जिंदाबाद, वजीर दादा जिंदाबाद, वजीर दादा जिंदाबाद, वजीर दादा। इतना फिटिंग है ना दोनों के, लग पता जाएगा इनको। हम भी उस डॉन का इंतजार कर रहे हैं। भाई ये क्या कर रहे हो तुम, अब हम चाय किधर रखेंगे? अरे तुम्हें चाय की पड़ी है, अरे हम इसके पीछे छुपेंगे जब फायरिंग का तबादला ख्याल होगा। अब्बा तबादले में ना दोनों तरफ से फायरिंग होती है, हम कहाँ से फायरिंग करेंगे? अच्छा तो चलो हम इसके पीछे छुपेंगे, वो जब फायरिंग कर रहा होगा हम। अब्बा छुपने का क्या फायदा है? हाँ तो का सामने आ जाए, माथे पे गोली खा लेगा। अरे यार मेरा कहने का मतलब है छुपने का क्या फायदा होगा? अरे उसकी जब गोलियां खत्म हो जाएंगी तो हम उसे पकड़ लेंगे। वाह वाह वाह, अल्लाह करे उसका दमा भी तुम्हारी तरह चल रहा हो, वरना वो इतनी गोलियां मारेगा ना कि हर जगह से आवाज आएगी। ए, ये क्या अल्लाह उनकी हालत कर दी है तुम लोगों ने, क्या हो रहा है यार? अम्मा यार जंग होने वाली है, अब्बा और मैं तैयारियां कर रहे हैं। जंग?
कैसी जंग? अम्मा वो छोटा डोन आ रहा है ना यार, बता लेने के लिए अब्बा हमको उससे बचा रहे। ये तुम में कमांडे की रूह कहाँ से आ गई? अरे खैरन, बब्बन हमारा बेटा है, अरे हम जान की बाजी लगा देंगे। अम्मा देखा, अब्बा को तुम ये भी मुर्गा बनाती थी, कितना बहादुर निकला हमारा बाबा। बस तो मैं भी इस कमांडे टीम में शामिल होंगी, अब तुम दो नहीं हम तीन हैं। वाह जबरदस्त खैरन, कमांडे फैमिली। आप ऐसा करें कि टमाटर बम बना लें। टमाटर बम? वो कैसे बनता है? अरे हम बताते हैं, हम कहते हैं। कैसे? अम्मा अब्बा पिछले मोहल्ले में ना मोबाइल रिपेयरिंग के साथ टमाटर बम ही बनाता था। चलो आओ। हाँ भाई क्या हुआ, दादाओं का हवा निकला हुआ है दोनों। अरे यार पहले टेंशन के मारे भूख लग रही है, तुझे आगे मजाक की सूझी हुई यार। अरे बबन हमका प्यारे सीरियस लग रहा है, अरे ये हमारा रिकॉर्ड लगा रहा है। आ गया वो, करा हो ना। अरे अब्बा वो आ गया, वो आ गया अब्बा, वो आ गया। अरे परेशान मत हो, हम जरा देख कर आते हैं। ये रुको, आइए आइए आइए, आप इधर बैठिए, आइए आइए। थैंक यू। अब ये है छोटू भाई, हमने इनसे बात करने का कोशिश किया, इनको समझाने का कोशिश किया, कुछ समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने हमें बंदूक दिखा दी, हम इनको अंदर ले आए। हाल तो मैं तेरा पूछने आया हूँ। अरे छोटू भाई ये बात तो दो सेकंड में भी हो सकती थी, फिर इतना ओवर एक्टिंग को। वो क्या है ना कि मेरे असिस्टेंट की मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी रास्ते में। इस बात से आपका हकलाने का क्या ताल्लुक है? जब मैं अटकता हूँ तो या मारते हूँ तो लफ्ज गोली की तरह निकलता है। आ तो समझे कि आपको आपका असिस्टेंट मिल गया। थैंक यू थैंक यू। आ दो बबन गबे आहिस्ता मार यार। अच्छा अच्छा सॉरी, आइए आइए। तो बबन फोन पे क्या कह रहा था तू? असल में कहा है ना कि ये पहचाना नहीं आपको, इसकी गलती हो गई है। हाँ गलती को सुधार देंगे, एक गोली बेजे में उतार देंगे। वाह कितना अच्छा कहे भाई, वाह वाह कमाल कर दिया। अरे वाह, अरे प्यारे बिटवा इस पे तो मिश्रा बनता है। हाँ ठीक है, अब हम आपको 5,000 उधार देंगे, जो कुछ पहन के हैं वो भी उतार देंगे। कमाल कर दिया है। तो फिर इसी बात पे बब्बन चाय ले आओ, चाय पीते हैं यार। चाय पीते, आप कांपते में जाइए और चाय लेकर वापस आइए। आप बैठिए, आप भी बैठिए। हाँ बैठिए, कांपते में जाइए वापिस चाय लेके आइए, मजा ना आए तो फिर से जाइए, दफा हो जाइए। यार प्यारे तू बहुत मजेदार आदमी है, लेकिन उस बब्बन को मैं गोली मार दूंगा। अरे गुस्सा थूक दीजिए छोटू भाई। यही अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, बाहर जाके थूकिए, गंदगी बाहर कीजिएगा। हाँ भाई ये लो छोटू भाई आपकी चाय। अब्बा कहाँ है? अब्बा को अम्मा ने बर्तन धोने पे लगा दिया है। बब्बन वो पैसों का क्या हुआ? प्यारे आज जरा दूर बैठे हो, अगर आप भेजो तो मैं थोड़ी देर के लिए असिस्टेंट बन जाऊँ। हाँ बबन भैया बिस्मिल्लाह। हाँ तो छोटू भाई आप मुझे ये बताओ कि हम 5,000 की पार्टी नहीं, आप हमसे 5,00,000 रुपए मांग रहे हो? बबन तुम इतने बड़े घर में रहते हो, तुम्हारा 5,00,000 नहीं है तुम्हारे पास? ये घर हमारा नहीं, हमारे चाचा का है, वो खुद दुबई गया है, हम यहाँ खुद थोड़े दिन के मेहमान है। तो एक काम करो, तुम चाची का जेवर भेज दो, उससे जो पैसे आएंगे वो मुझे दे दो। अरे तो छोटू भाई आप डायरेक्ट जेवर ले जाइए। अरे मैं जेवर ले जाऊं? वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो? अरे तो हमें कहाँ पता कि चाची का जेवर कहाँ रखा हुआ है? अरे यार चाची के पास कोई जेवर नहीं है, मैंने उसकी अलमारियां देखी, अजीब और गरीब चीजें निकल रही थी अंदर से। ए बबन बबन जरा ऊपर तो आ, ऊपर। ये कौन है? ये नौसी है। नौशी यार वो बबर नौशी बुला रही है तुझे। हाँ तो मैं जा रहा हूँ। एक काम कर, पहले मैं होकर आ जाता हूँ। प्यारे अगर आप कहो तो उसके कान उतार किसकी नाक पे लगा दूँ मैं। अरे नहीं नहीं जाने दीजिए जाने दीजिए, जाइए जाइए मिलकर आइए। अबे यार अरे जाने दो ना, आइए जाइए जाइए। अरे तो फिर मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाइए जाइए, हाँ जाइए जाइए जाइए। छोटू भाई को असिस्टेंट की जरूरत होगी। अरे वो तो ठीक है, हम ना अम्मा और नौसी को सब कुछ SMS पे बता चुके हैं, अब देखना अम्मा और नौसी इसका क्या हाल करेंगे। नहीं दफा हो जाओ अंदर चलो। आए कौन है भाई तू, जो बगैर जाए नौसी के सामने आके बैठ गया? अंडरवन का डॉन हूं मैं, छोटू नाम है मेरा।
खुद तो तू इतना सा और तेरा नाम इतना बड़ा, भाई वाह। काम भी बड़े बड़े करता हूँ। अच्छा क्या करता है बे तू? छत का बल्ब बदल देता है? नहीं। तो फिर पंखा तो जरूर साफ कर देता होगा। नहीं। तो मकड़ी के जाले तो जरूर उतारता होगा। अरे नहीं नहीं यार। अबे तो क्या करता बड़े काम? अरे मैं ले 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 लाखों रुपए कमाता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों दु 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 भाई शिफ्ट हो जाएंगे। आ भाई हैं, बड़ी आवाजें आ रही है, कौन जा रहे दुबई? जा नहीं रहे बबन, ये मुझसे कह रहा है कि मुझसे शादी करना चाहता है और मैं इसके साथ दुबई शिफ्ट हो जाऊँ, छोटू और नौशी। ये तो सुनने में इतना अजीब लग रहा है, छोटू नौशी। अबे क्या 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 बुरा लग रहा है? तुझे तो मैं गोली मार दूंगा। ओए औकात मेरे अपनी और मेरी बात तो निकल ले यहाँ से, वरना तेरा वो अशर करूंगी ना कि दुनिया वाले पूछेंगे कि तू आ रहा है कि तू जा रहा है। नो नो नोशी, तुमने छोटू के प्यार को ठुकराया है, मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा। बबन इसको यहाँ से ले जा, वरना मैं इसको उठा के बाहर फेंक दूंगी और फिर तुझे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। उठ जा, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, निकल यहाँ से बाहर। निकल जाओ, निकल यहाँ से बाहर। नोची अच्छा नहीं किया तुमने, चल हमारी बातें करते हैं। ओए बैठ जा वापस। नोची नोची मैं आपके लिए एक शेर लिख के लाया हूँ, सुना। आई लव यू मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ। एक थप्पड़ तुझे मारूंगी तेरा दिमाग भी ठीक हो जाएगा। अच्छा तो ये वो गीजर ठीक करने वाला है? ओए मैं डॉन गोली मार देता हूँ। अरे डॉन भाई ये बताएं कि बबन भाई ने 5 लाख रुपए दे दिए का नहीं? अरे क्यों मजाक कर रहे हो? अच्छा तो ये वो है जो मेरे बेटे को धमकियां दे रहा था है? मम मैंने क्या 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 कह दिया? अरे खरन एक मिनट, हमका जरा डॉन भाई का असिस्टेंट बनने दीजिए। हाँ तो डॉन भाई कहाँ थे हम? मैं क्या कह रहा था कि क्या कर लोगी? ऐसे नहीं मानेगा। ये देखा है ना ये अरे छोटू भाई अभी मिलवाते हैं आपको, आप खुद ही मिल लेना उससे। अरे 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 कहा हुआ छोटू भाई, काम भागे जा रहे हो? अबे तेरे घर में सब पागल है क्या? हाँ तकरीबन, लेकिन आप तो डॉन आदमी हो, आप कैसे भाग रहे हो? छोड़ूंगा नहीं मैं, एक को देख लूंगा छोटू डॉन नाम है मेरा, अगर अभी 5 लाख नहीं मिले ना लाशें उठा दूंगा यहाँ से। देख रहे हो छोटू भाई, इन छोटू भाई का गुस्सा कितना तेज है। क्या ये भी छोटू सुपारी है? बेटा मैं ही छोटू सुपारी हूँ, तो मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा था। मगर क्यों सुपारी भाई? क्योंकि आप इनके नाम पर भत्ता लेते हो लोगों से और ये असल में गरीबों का मदद करते हैं। हाँ ये मुझे जानता है और इसी ने मुझे फोन करके बुलाया। अब तो चल मेरे साथ, मैं देता हूँ तुझे 5 लाख रुपए। सॉरी जाइए ले जाइए। हाँ ए बब्बन भैया, अब्बा बाहर आ जाओ, खतरा टल गया है। प्यारे दादा है प्यारे। यार किसी अंडरवर्ल्ड का फोन आ रहा था मुझसे, क्या हो गया? <यारे भाई। laughs> तुम्हें ये कमांड देखी रू कहां से?